बच्चों, कल आपने रुबाइयाँ पढ़ी हैं, आज है आपको गज़ल। मैं बता रही हूँ तो गज़ल है, हर गज़ल स्वतंत्र होती है, उसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आपने 11th में दुष्यंत कुमार की गज़लें पढ़ी हुई थी। उन्होंने ही गज़ल विधा को हिंदी में समावेश किया और फिराक गोरखपुरी ने इसे आगे बढ़ाया। तो गज़ल उर्दू की विधा है और इसे हिंदी में शामिल करने का श्रेय दुष्यंत कुमार के बाद फिराक गोरखपुरी को भी जाता है। ठीक है, तो हर गज़ल अपने में स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ रखती है, उसका दूसरी गज़ल से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, परंतु दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गज़लों को एक दूसरे से जोड़ा है, परंतु यहाँ फिराक गोरखपुरी ने क्या है, अपनी गज़लों को स्वतंत्र अर्थ दिया है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो भू गुलशन में परतोले। ठीक है, नौरस गुंचे, नौरस माने होता नए रस से भरी हुई, गुंचे माने कलियां, पंखुड़ियों की, पंखुड़ियां कली के जो पंखुड़ी पटल होते हैं, पंखुड़ियों की नाजुक कोमल गिरह माने गांठों को खोल रही है, अर्थात धीरे धीरे कली कि एक एक पंखुड़ी खुल रही है और वो क्या है, फूल बनने की ओर अग्रसर है। फिर से मैं बता रही हूँ, नौरस गुंचे, नौ रस माने नई रस से भरी हुई, गुंचे माने कलियाँ, पंखुड़ियों यानी पटल की नाजुक गिरह, नाजुक माने कोमल गांठों को खोल रही है। तो आपने देखा है ना कि धीरे धीरे एक एक है पंखुड़ी खिलती है कली से, उसके बाद क्या है, वो फूल बनती है। या उड़ जाने को रंगो भू गुलशन में परतोले, ठीक है, या उड़ जाने को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रंगो भू, रंग और भू माने खुशबू, गुलशन माने बगीचे में, पर माने पंख, तोले माने फैला रहे, यानी उन कलियों की रंग और खुशबू पूरे बगीचे में फैली हुई है। तो कवि कल्पना करता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रंग और खुशबू रूपी पक्षी बगीचे से उड़ जाने के लिए पंख फैला रहा हो। ठीक है, तो मैं फिर से बता रही हूँ, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले कि नए रस से भरी हुई कलियां, पंखुड़ियों यानी पटल की कोमल गांठों को खोल रही हैं, अर्थात धीरे धीरे क्या है, कली की एक एक पंखुड़ी खिल करके फूल बन रही है। तो उनकी उनकी रंग और खुशबू पूरे बगीचे में फैली हुई है। तब कवि कल्पना करता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो रंग और खुशबू रूपी पक्षी बगीचे से उड़ जाने के लिए पंख फैला रहा हो। ठीक है, तो इसमें प्रकृति का वर्णन है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। तारे आंखें झपकावे, जर्रा जर्रा सोए, जर्रा जर्रा माने कण कण, तो पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है, रात्रि का समय है, पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। तारे आंखें झपकावे हैं, और तारे जो टिमटिमा रहे हैं, तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो तारे भी आंखें झपझपा करके, झपका करके निद्रा में मग्न हो रहे हैं, यानी तारों को भी नींद आ रही है। फिर से मैं बता रही हूँ, रात्रि का समय है, जर्रा जर्रा सोए यानी पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है, तारे आंखें झपका हुए हैं,
और तारों को भी मानो नींद आ रही है, वो भी आंखें झपका रहे हैं। ठीक है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। शब माने होता है रात्रि। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि तुम भी सुनो यारो, कि साहित्यकार मित्रों तुम सुनो कि रात्रि के सन्नाटे हम कवियों को, साहित्यकारों को कुछ संदेश देते हैं, कुछ साहित्य की कल्पना देते हैं, साहित्य की प्रेरणा देते हैं। तो रात्रि के सन्नाटे कुछ बोले हैं, यानी हमें, हमसे कुछ कहते हैं, हमें कुछ बताते हैं, हमें कुछ प्रेरित करते। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ। रात्रि का समय है, जर्रा जर्रा सोए, पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है, तारे आंखें झपकावे हैं। तो कवि कल्पना करता है मानो तारों को भी नींद आ रही है, वो आंखें झपका करके सोने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी क्या है, तो तारे टिमटिमा रहे हैं, तो कवि कल्पना करता है कि मानो तारे आंखें झपका रहे हैं और वो उन्हें भी नींद आ रही है। तुम भी सुनो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। तो साहित्यकार मित्रों सुनो, रात्रि के सन्नाटे हमसे कुछ बोलते हैं, हमें हैं लिख प्रेरित करते हैं, हमें हैं कल्पना लोक में ले जाते हैं, तो हमें कुछ प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों? तो मैं फिर से दोनों बता दे रही हूँ। पहले में उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरह खोले हैं, कि नए जब है कली है, फूल बनने की ओर अग्रसर होती है। उसी का सुंदर वर्णन उन्होंने इसमें किया है कि नए रस से भरी हुई कलियाँ अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को धीरे धीरे खोल रही हैं। अर्थात एक एक कली की एक एक पंखुड़ी अलग हो रही है और फूल बन रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कलियाँ अपनी पंखुड़ियों की नाजुक गांठों को खोल रही हैं। ठीक है, चारों ओर बगीचे में गुलशन, यानी चारों ओर बगीचे में उनकी रंग और खुशबू, खुशबू यानी महक, चारों ओर बगीचे में उनके रंग और महक फैली हुई है। तो कवि कल्पना करता है कि मानो रंग और खुशबू रूपी पक्षी बगीचे से उड़ जाने के लिए पर तोले, यानी पंख फैला रहा हो। दूसरा है कवि का कहना है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। कि रात्रि का समय है, जर्रा जर्रा पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है, तारे आंखें झपकाए हैं, तारे भी जो टिमटिमा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारों को भी नींद आ रही, वो भी आंख झपका रहे हैं, वो भी आंख झपका करके निद्रा ले रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, शब के सन्नाटे कुछ बोले। तो साहित्यकार मित्रों सुनो कि ये रात्रि के सन्नाटे हम साहित्यकारों को प्रेरणा देते हैं, हमसे कुछ कहते हैं, हमारे लेखन के लिए क्या है, सामग्री देते हैं। ठीक है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे। तो कवि का कहना है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, कि हमारी किस्मत और हमें दोनों को एक ही काम है, एक दूसरे के ऊपर रोना, एक दूसरे को कोसना। किस्मत हमको रो लेवे, किस्मत हमारे ऊपर रोती है कि हम, कि मैं ऐसे व्यक्ति की किस्मत हूँ जो हमेशा मुझे कोसता रहता है, जो हमेशा दुखी रहता है, जो हमेशा निराश रहता है, जो हमेशा रोता रहता है। हम किस्मत को रो ले गए, और मैं हमेशा किस्मत को कोसता रहता हूँ कि मेरी किस्मत
इतनी खराब क्यों है और लोगों जैसी अच्छी क्यों नहीं। फिर से बता रही, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो ले हुए है, हम किस्मत को रो ले हुए। तो कभी क्या कहना है कि मुझे और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम है, एक दूसरे के लिए रोना, एक दूसरे को कोसना। किस्मत हमको रो ले हुए है, तो किस्मत है मेरे ऊपर रोती कि मैं ऐसे व्यक्ति की किस्मत हूँ जो कि क्या हमेशा दुखी रहता, हमेशा निराश रहता, हमेशा मुझे कोसता रहता। हम किस्मत को रो ले हुए, और मैं हमेशा किस्मत को कोसता रहता हूँ कि मेरी किस्मत क्या है, इतनी ख़राब है और लोगों जैसी नहीं है। ठीक है, जो मुझको बदनाम करे काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। तो कवि का कहना है, जो मुझको बदनाम करे, कि जो लोग मेरी बुराई करते हैं, जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, जो लोग मेरी निंदा करते हैं, काश वे इतना सोच सके। तो काश शायद उनमें इतनी अकल होती, काश वे इतना सोच सकते, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो वे मेरी बुराई नहीं कर रहे, मेरे अवगुणों को लोगों के सामने नहीं ला रहे, बल्कि क्या है, वे अपना पर्दा खोले, वे अपनी बुराइयों को लोगों के सामने ला रहे हैं कि वो दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर सकते, दूसरों के प्रति इतने ईर्ष्यालु। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, जो मुझको बदनाम करे, कि जो मेरी निंदा करता है, मेरी बुराई करता है, ठीक है, काश वे इतना सोच सके। तो काश उनमें इतनी अक्ल होती, वो इतना सोच सकते कि वो मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है, स्वयं बदनाम हो रहे हैं, मेरा पर्दा खोले, वे मेरे अवगुणों को दूसरों के सामने नहीं ला रहे हैं, बल्कि क्या है, स्वयं के अवगुणों को दूसरों के सामने ला रहे हैं कि वो इतने ईर्ष्यालु हैं, दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर सकते हैं। तो अपने अवगुणों को दूसरों के सामने ला रहे हैं, अपना पर्दा खोल रहे हैं। ठीक है, अपने अवगुणों को दूसरों के सामने जाहिर करना। ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले। बदरुस्ती ए होशो हवास, बदरुस्ती माने विवेक के साथ और होशो हवास माने सोच समझ करके। बदरुस्ती मीन्स होता है विवेक के साथ यानी बुद्धि के साथ, और होशो हवास यानी कि पूरे होश में पूरे सोच समझ करके। ये कीमत भी अदा करें कि हम कि मैं प्रेम की कीमत अदा करें, नहीं मैं ये मैं पूरे होशो हवास के साथ, पूरा सोच समझ करके, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम की कीमत, प्रेम के मूल्य को चुकाता हूँ। अदा करना माने मूल्य को चुकाता हूँ। तेरा सौदा करने वाला दीवाना भी हो ले, क्योंकि जो प्रेम का सौदा करता है वो हमेशा घाटे में रहता है, दीवाना भी हो ले, और उसे लोग पागल कहते हैं। ठीक है, वो उसी के पीछे हमेशा लगा रहता है और हमेशा घाटे में रहता है, परंतु मैं पूरे सोच समझ करके, पूरे होश में प्रेम के इस मूल्य को चुकाता हूँ, इस घाटे के सौदे को करता हूँ। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ये कीमत भी अदा करें हम, बदुरुस्ती होशोहवास, मैं पूरा सोच समझ करके, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम का मूल्य चुकाता हूँ, प्रेम का सौदा करता हूँ, और हमेशा ही घाटे में रहता हूँ। तेरा सौदा करने वाला दीवाना भी हो ले, कि जो प्रेम का मूल्य चुकाता है वो हमेशा घाटे में रहता है, हमेशा हानि में रहता है, और सब कुछ छोड़ करके वो उसी के पीछे क्या है, दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है।
तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले। ठीक है, तेरे गम का पासे अदब, पासे अदब माने सम्मान। ठीक है, तो कभी क्या कहना है, गम माने होता है दुख, तो जो उसके प्रिय को प्रेम में दुख मिला है तो कभी उसका कहता है कि तेरे गम का पासे अदब, तो मुझे उसके दुखों का सम्मान है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, परंतु साथ ही साथ क्या समाज परिवार और दुनिया का भी ध्यान है। इसीलिए कभी अपने प्रेम को सबके सामने प्रकट नहीं करता है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लें। वो सबसे छिपा करके प्रेम में जो दुख मिला है, प्रेम में जो है उसे तकलीफ मिली है, उसे क्या है चुपचाप रो करके ही सहन करता है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास, सॉरी कि मैं पूरे सोच समझ कर पूरे विवेक के साथ प्रेम का ये मूल्य चुकाता हूँ। ठीक है, तेरा सौदा करने वाले कि जो प्रेम का सौदा करता है, प्रेम का व्यापार करता है, वो हमेशा घाटे में रहता है और है दीवाना भी हो ले, और वो सब कुछ छोड़ करके वो क्या है प्रेम के पीछे पागल हो जाता है, परंतु मैं सोच समझ करके पूरे विवेक के साथ पूरे बुद्धि के साथ प्रेम का ये मूल्य चुकाता हूँ। ठीक है, फिर दूसरे गजल में उन्होंने कहा, तेरे गम का पासे अदब है कि अपने प्रिय कि उसे प्रिय के प्रिय को जो प्रेम में दुख मिला है, गम माने दुख मिला है, उसका उसे पासे अदब माने सम्मान है, पर दुनिया का ख्याल भी है, परंतु इसके साथ साथ क्या है संसार के लोगों का परिवार का समाज का सबका ध्यान भी है। इसीलिए कभी अपने प्रेम को क्या है सबके सामने प्रकट नहीं करता, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले। इसीलिए वो सबसे छिपा करके प्रेम में जो दर्द मिला है, प्रेम में जो दुख मिला है, उसे चुपचाप रो करके सहन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। फितरत का कयाम है, फितरत का कायम है तवाजुम आलमे हुस्नो इश्क में, उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले। फितरत का कायम, ठीक है, फितरत फितरत का कायम है तवाजुम आलमे हुस्नो इश्क में, जिस उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले। फितरत मीन्स होता आदत, तवाजुम माने संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क प्रेम और सौंदर्य के, आलमे माने संसार में, तो प्रेम हुस्नो माने होता है सौंदर्य, इश्क माने प्रेम, प्रेम और सन प्रेम और सौंदर्य के संसार का यह संतुलन है, और साथ ही साथ ये आदत भी स्थापित है, या कुदरत ने ही इसे स्थापित किया है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले, कि हम प्रेम में उतना ही प्राप्त करते हैं जितना हम स्वयं प्रेम में स्वयं को डुबाते हैं, जितना स्वयं प्रेम में स्वयं को फूल करके क्या है प्रेम में डूब जाते हैं उतना ही क्या है हम उसे पाते हैं। फिर से बता रही हूँ, पहले यहाँ से है आलमे हुस्नो इश्क, आलमे माने संसार, हुस्न माने सौंदर्य, और प्रेम के संसार का ये संतुलन है, तवाजुन ये संतुलन है, और
फितरत का कायम है, फितरत माने होता है आदत, कायम माने स्थापित की, और कुदरत ने भी और प्रकृति ने भी ये आदत स्थापित की है कि उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं, कि हम प्रेम में जितना स्वयं को डुबाते हैं, जितना स्वयं को खोते हैं, उतना ही हम, या दूसरे को जितना हम प्रेम प्रदान करते हैं उतना ही हम क्या है पाते हैं। ठीक है, आबोताब असरार न पूछो तुम भी, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रो ले, आबोताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखो। आबोताब असरार माने ऊपरी चमक दमक से युक्त। ठीक है, तो कवि का कहना है कि जो मेरी गजलें हैं वो केवल ऊपरी चमक दमक से युक्त नहीं है, तुम भी आंखें रखो, तुम्हें भी दिखाई देता है, ठीक है, तुम भी आंखें रखो। ये जो मेरी जो गजलें हैं वो केवल ऊपरी चमक दमक से युक्त नहीं है, तुम भी आंखें रखो, तुम्हें भी दिखाई देता है कि ये भावनाओं से भी भरी हुई हैं। ये क्या है, दुख, तो लोगों की दुखों को महसूस करने वाली, लोगों की संवेदनाओं को महसूस करने वाली हैं। ठीक है, कि जो मेरी गजलें हैं वो केवल ऊपरी चमक दमक से युक्त नहीं है, बल्कि क्या भावनाओं से भी भरी हुई हैं, लोगों के मन को छूने वाली हैं, लोगों के मन तक पहुंचने वाली हैं। ठीक है, तुम भी आंखें रखो, तुम्हें भी दिखाई देता है कि मेरी गजलें क्या है भावों से भरी हुई हैं, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले, बैतों माने होता है शेर या शायरी, तो ये जो जगमगाते हुए मेरी गजलें हैं, शेर हैं, उनकी जो चमक है वो, या हम मोती रो ले, कि प्रेम में जो हमें दुख मिला है उसके आंसू रूपी मोतियों के कारण क्या है, ये इतनी चमकीली है, इतनी बेहतरीन। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, आबोताब अशरार न पूछो तुम भी आंखें रखो, कि जो मेरी गजलें हैं वो केवल ऊपरी चमक दमक से युक्त नहीं है, ठीक है, तुम बल्कि क्या भावनाओं से भरी हुई, मन को छूने वाली है, तुम भी आंखें रखो, तुम्हें भी दिखाई दे।